रोहिणी और मोहिनी जो ये दोनों सेब बना रहे हैं, पर उनका सेब एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा था। मोहिनी ने बहुत प्रयास किया। फिर मोहिनी जो है वो शीला से पूछती है, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल दैट द मैच स्टिक मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट, ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। यानी उनको बताया गया कि आप अगर एंगल्स पे भी ध्यान दें तब जाके आप दोनों का सेम शेप बन जाएगा। और फिर उन्होंने एंगल्स बनाना सीखा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्मॉल एंगल, बिग एंगल और उससे भी बड़ा एंगल। यहाँ हम एंगल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुके थे पिछले वीडियो में। अभी आप तीन भाग में उसे बांट लीजिए जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। एक राइट एंगल, राइट एंगल मींस एक हॉरिजेंटल लाइन रहेगी और एक वर्टिकल लाइन यानी 90 डिग्री के एंगल, और जो उससे छोटे एंगल होंगे उसको लेस देन राइट एंगल सभी को कहेंगे, यानी उसका दूसरा नाम एक्यूट एंगल। और जो राइट एंगल से बड़े एंगल होंगे उसको मोर देन राइट एंगल कहेंगे, यानी जो ऑब्ट्यूज एंगल था। अंततः उन्हें पता चला कि किसी भी शेप के एंगल्स को अगर चेंज कर देते हैं तो उस शेप की आकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, और जब एंगल सेम रहे और साइड का जो लेंथ है वो भी सेम रहे तब दोनों सेम आकृति डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए जो प्रैक्टिस टाइम है उसमें देखिए, लुक एट द शेप एंड आंसर, द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। यहाँ ग्रीन वाइट येलो कलर से मार्क किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। आपको जो भी एंगल इसमें बड़ा दिख रहा हो उसका कलर यहाँ आप लिख लीजिए। मुझे तो ये एक रेगुलर पेंटागॉन लग रहा है। रेगुलर पेंटागॉन मीन्स जिसके सभी साइड्स बराबर हों। तो ये जब सभी साइड्स बराबर हो जाते हैं पेंटागॉन में तो यह कह पाना मुश्किल है कि इसमें बड़ा कौन सा एंगल होगा। आप खुद से देख लीजिए, हो सकता है आप प्रोटेक्टर से मेजर करना अगर जानते हैं तो मेजर करके देखिए और फिर उस कलर का नाम लिखिएगा। अगर आपको लगे कि सभी एंगल बराबर हैं फिर क्या कीजिएगा। मुझे जैसा कि इस फिगर में उतनी बारीकी में मैं नहीं गया हूँ, पर मुझे लगता है कि सारे एंगल सेम ही हैं। ऑल द एंगल्स इन द फिगर आर इक्वल। अब आप नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से डिफरेंट कलर्स के एंगल्स को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल, आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल, आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल। जब आप ध्यान से इन पिक्चर्स में देखेंगे तो लगेगा कि ये सारे एंगल्स जो हैं जो सेम सेम कलर्स के मार्क किए गए हैं वो सारे इक्वल्स दिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे द एंगल मार्क विथ येलो आर इक्वल, और उसी तरह अलग अलग कलर्स के एंगल्स का नाम लिख के उसे इक्वल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सेम टाइप के शेप में सेम टाइप का एंगल्स ढूंढना है, जैसा कि यहाँ रेड ग्रीन येलो इस तरह से मार्क किए हुए हैं। तो आप भी ढूंढकर दूसरे शेप में उस जैसा एंगल मार्क कीजिए। आप इसमें से सेम शेप पहले ढूंढिए, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड हेक्सागोन। हेक्सागोन डेट मीन्स सिक्स साइड का एक क्लोज शेप है। तो इसमें जो ग्रीन
पार्ट ग्रीन कलर से कलर किया गया है उस एंगल्स को, उसी तरह दूसरे हेक्सागोन में भी उस एंगल को ग्रीन से कर दीजिए, एंगल्स का मार्क बना लीजिए। उसी तरह पेंटागोन दोनों ढूंढिए, येलो कलर से उसमें कलर किया गया है, और उसका एक रेड कलर से भी एंगल कलर किया गया है। उसी तरह एक एट साइड्स के क्लोज शेप हैं ऑक्टागोन, और इसमें भी आप जो इक्वल एंगल्स हैं उनको आप ब्लैक और ब्लू कलर से उसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में है। इसमें डिफरेंट साइड्स के डिफरेंट शेप बने हुए हैं और आपको उन मैच स्टिक के बीच के एंगल्स को चेंज करके अलग अलग शेप बनाने हैं। बट ध्यान रहे, जब आप क्वेश्चन ए कर रहे हैं तो फोर मैच स्टिक का यूज कीजिए। फोर मैच स्टिक का यूज करके यहाँ स्क्वायर बनाया गया है, आप फोर मैच स्टिक का यूज करके ही डिफरेंट शेप बनाइए। उसी तरह एट मैच स्टिक का यूज करके आप दूसरा शेप बनाइए। फाइव मैच स्टिक का भी आप यूज करके अलग शेप बनाइए। इसे आप ए फोर शीट में या कॉपी में भी एक जगह फोर से फोर साइड से बनने वाले शेप बनाइए, फिर एट से बनाइए, फिर फाइव से, फिर सेवन से, फिर टेन से, और अलग अलग शेप। जो एक शेप तो यहाँ दिया हुआ है वो भी आप ड्रॉ कर लीजिए, मैच स्टिक चिपका के कर सकते हैं, और अगर अवेलेबल ना हो तो उसकी आप ड्राइंग कर लीजिए सेम सेम साइड और उसका साइज और एंगल्स पे ध्यान देते हुए, फिर दूसरा शेप बनाइए आप। यहाँ मैथमेटिक्स में मैच स्टिक्स का एक पजल दिया हुआ है, पहले तो आप इसे सोचिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बाद में इसे बताऊंगा कि इसका दूसरा शेप कैसा होगा। आज के लिए आपका एक दूसरा और प्रोजेक्ट आ गया है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आपको एंगल टेस्टर बनाना है। एंगल टेस्टर एक डिवाइडर जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, उस टाइप का ही आपको बनाने हैं। इसमें बनाने की विधि जो है वो आपकी को दी हुई है, पेज नंबर 20, ध्यान से पढ़िएगा। और फिर आप एंगल टेस्टर बनाइएगा, और इस टेस्टर को बनाने के बाद आप अपने घर में आसपास कुछ जो सामान हैं उनको आप देख के ये बताइएगा कौन सा राइट एंगल है, कौन सा इसमें जो है मोर देन राइट एंगल वाले हैं, कौन सा लेस देन राइट एंगल वाले हैं। और सबसे पहले आप इसे कार्डबोर्ड का दो सिरा बनाइए, साइड बनाइए, और फिर उसको थम पिन से, आल पिन से, या सिलाई करके भी आप उसको जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि दोनों साइड जो हैं फ्री मूव कर सके, इससे आप एंगल्स को मापने का काम कीजिएगा। हमने 90 डिग्री के एंगल के बारे में पढ़ा है। एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटती है, या तो आप इसे मैथमेटिक्स के लेटर कैपिटल लेटर एल की तरह देख सकते हैं। आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए कि लेटर एल जैसा एंगल्स कहाँ कहाँ दिख रहा है। जब आप अपने आसपास रसोई में घर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ आपको लेटर एल के शेप से, उसका कॉर्नर के शेप से मिलेगा, आप उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जो मैंने क्लिक किया है, दीवार, गेट, दरवाजे, खिड़कियाँ, और ये किचन में आप देखिए गैस चूल्हा, स्टोव। तो आप भी यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। आज हम यहीं तक काम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।